गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हेयर अगेन विद द न्यू चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर 7। सो आवर न्यू चैप्टर इज रेशियो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉक अबाउट रेशियो। रेशियो क्या होता है? देखिए, और एवरी डे इन आवर लाइफ मैनी ए टाइम्स वी कंपेयर टू क्वान्टिटी ऑफ सेम टाइप। वी कैन कंपेयर टू क्वान्टिटीज ऑफ सेम टाइप इन टू वेज। इसका मतलब है कि हमारी डेली लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि दो क्वांटिटी जो एक तरह की हुई है, सेम है, जैसे रुपए हैं तो और किलोग्राम में हैं, दो चीज़ों को हम कंपेयर करें दोनों ही किलोग्राम में हैं तो इसका मतलब है कि वो सेम टाइप की क्वांटिटी हैं, उनको हम कंपेयर करते हैं। तो इसके हमारे पास कितने टू वेज से हम कंपेयर करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया आपको, सपोज यू हैव 10 रुपीज़ एंड योर फ्रेंड रोकी हैज 30 रुपीज़। यानी आपके पास 10 रुपये और आपके फ्रेंड के पास 30 रुपये है, 30 रुपीज़ है, आपके पास 10 रुपीज़ है, तो आपको कंपेयर करनी है दोनों की अमाउंट। तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट है इसका जो पहला तरीका है, फर्स्ट वे है, वो है माइनस कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आप बोलोगे कि रोकी के पास तो 20 रुपये ज़्यादा है मेरे से। तो इसको हम बोलते हैं कंपेरिजन बाय डिफरेंस, यानी दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करके कंपैरिजन करना कि उसके पास मुझसे कितने ज़्यादा हैं या मेरे पास उससे कितने कम हैं। फिर आती है, फिर हम करते हैं उनको डिवाइड करके। देखिए, अगर हम रोकी के जो रुपीज़ हैं आपके फ्रेंड के और आपके पास जितने, उन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में, तो आपको पता लगेगा टाइम्स का या फिर आपकी रोकी के पास आपसे थ्राइस ज़्यादा है। यानी रोकी की जो अमाउंट है वो आपकी अमाउंट के कंपैरिजन में थ्राइस है। तो इसको हम बोलते हैं, इसको टाइम्स में यानी 3 टाइम्स उसके पास ज़्यादा है आपसे, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन बाय डिवीजन, यानी डिवाइड करके कंपेयर करना। तो जब हम डिवीजन में लिखते हैं उसको, हम कंपैरिजन बाय डिवीजन को ही क्या बोलते हैं? रेशियो। तो रेशियो हमारा क्या होता है? कंपैरिजन बाय डिवीजन, यानी सेम क्वांटिटी की कंपेयर करना डिवाइड करके। आप देखिए, जैसे 30, और जब भी हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 30, और जो ये आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कोलोन, 30:10। या फिर हम इसको ऐसे रीड कैसे करेंगे? 30:10, 30:10, इस कोलोन को हम बोलते हैं इज टू। इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस है रेशियो, तो रेशियो को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, इसमें एक अगेन एक एग्जांपल दिखा, रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए टू वेट ऑफ बी इज रिटन एज 35:55, या फिर 35:55। इसका मतलब हुआ कि ए का रेशियो है जो बी के रेशियो का कितना है, बी ए का वेट है जो बी के वेट में रेशियो में कितना, 35:55। यानी 35 किसका वेट है? ए का, और 55 जो बाद में टर्म लिखी है उसका। तो इस तरह से हम इसको कैसे करते हैं? रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, रेशियो, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट्स इज अ फ्रैक्शन दैट वन क्वांटिटी इज ऑफ अदर। यानी जब भी दो सेम क्वांटिटी का आपको रेशियो दिया जाए तो वो उसका मतलब होता है कि वो एक फ्रैक्शन होता है। रेशियो क्या होता है? आपका फ्रैक्शन के रूप में ही होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है? डिवीजन में होते हैं दो नंबर, और रेशियो में भी क्या होते हैं? डिवीजन में कंपेरिजन होता है। तो इसमें बोला गया है कि जो आपका रेशियो होता है वो क्या होता है? एक फ्रैक्शन होता है सेम यूनिट का, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में। तो आपके दोनों नंबर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी नंबर आपका जीरो ना हो, और यूनिट क्या है? दोनों की सेम हो। सेम यूनिट जैसे मैंने आपको बताया, या तो दोनों किलोग्राम में हो या जिस चीज़ में भी है, जो दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसे लिखें या फिर इसको आप ऐसे लिखें, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है। इस कोलोन का मतलब भी होता है कि ये दोनों क्या है? डिवीजन में हैं। तो रेशियो क्या होती है? फ्रैक्शनल फॉर्म ही होती है। तो इसमें जो ये फर्स्ट नंबर होता है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। जो फर्स्ट नंबर होता है या फिर जो न्यूमरेटर में होता है
उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये आपको याद करनी है दोनों टर्म, ये कॉन्सिक्वेंट होता है और ये आपका एंटीसीडेंट होता है। अब देखिए आपके फिर आता है इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं, जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किए थे सेम ऐसे ही आपके इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। देखिए इसमें दिया गया 1:2, ये आपको एक रेशियो दिया गया, आपको इसके इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करें, हम इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, बोथ साइड हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 2, तो 1 × 2 कॉलोन 2 × 2। लेकिन जब भी आपको करना क्या करना, सेम नंबर से करना दोनों साइड, जैसे हम फ्रैक्शन में करते थे सेम नंबर से दोनों साइड, तो ऐसे ही आपको रेशियो में करना है। तो 2:4 आ गया, तो ये इसका क्या हुआ, इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो वापस ये इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये इसके बराबर है। और फाइंड आउट करने हमने इक्विवेलेंट, तो दूसरे नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, 1:3 से कर दो, तो 3:6 ये भी क्या है, इसका इक्विवेलेंट है। 4 से कर दो, 4:8 तो ये इसके सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। फाइंड द रेशियो ऑफ 700 मीटर टू 42 किलोमीटर। अब देखिए मैंने बताया था कि रेशियो क्या होता है, फ्रैक्शनल फॉर्म होती है सेम यूनिट की, इसकी यूनिट मीटर है और इसकी क्या है, किलोमीटर है, तो ये तो सेम यूनिट नहीं है, क्या करेंगे हम किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 1 किलोमीटर क्या होता है, आपका 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो आपको फाइंड आउट करना 700 मीटर और 42 किलोमीटर के बीच का रेशियो। तो पहले इस किलोमीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में, ये तो मीटर में है ही ऑलरेडी, तो इसको कीजिए 42 × 1000, तो 42,000 आपके क्या हो गए, अब ये मीटर हो गए। तो रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो इज इक्वल टू 700 का करना, तो 700 ऊपर लिखेंगे, 42 नीचे, तो ये आपके क्या हो गए, सेम यूनिट के हो गए और फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गए। अब आप डिवाइड करेंगे, देखिए दोनों की 0 से 0 कैंसिल हो गई, आपका बचा 7/420। तो इन दोनों को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे हम शॉर्टेस्ट फॉर्म मिलाते थे फ्रैक्शन को, 7 × 7, तो ये आपकी शॉर्टेस्ट फॉर्म में आ गई। और आपका रेशियो लिख देंगे 1:60, तो ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो रेशियो किस चीज़ का, ये 700 मीटर का 42 किलोमीटर से। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेशियो फ्रैक्शनल फॉर्म में जब शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे उसके बाद ये रेशियो हम लिख देंगे, ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है आपका। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। फिर आती है कंपैरिजन ऑफ रेशियो, रेशियो को कंपेयर कैसे करते हैं। देखिए 2 रेशियो दिए गए आपको, 5:7 and 15:7, तो पहले इनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे कंपैरिजन करने के लिए। लिख लिए 5/7 and 15/7, जो एंटीसीडेंट होता है आपका वो क्या होगा, हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। फिर हम करेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 की और 7 की 35, 15 की और 7 की 105। तो जिस साइड की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ी आई है, 15 वाली बड़ी आई है, तो आपका ये वाला जो है फ्रैक्शन वो क्या है, बड़ा है। इट मीन्स 15/7 is greater than 5/7। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। देखिए आपकी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, कंपेयर द फॉलोइंग रेशियो। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो है रेशियो, है आपके फर्स्ट का ए पार्ट का 2:15, और दूसरा रेशियो क्या आपका 4:7। तो देखिए कंपेयर करने के लिए पहले उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे, 2/15 and 4/7। और अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 × 7 and 4 × 15, 2 × 7 = 14 and 15 =
सिक्सटी, तो देखिए कौन सा बड़ा है, सिक्सटी बड़ा है तो 4/7 यानी ये 4 वाला रेशियो बड़ा है, तो हम लिखेंगे 2/15 इज लेस देन 4/7। तो आपका ये इस तरह से आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे रेशियो की। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट आप ऐसे ही करेंगे। फिर आता आपका सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको बताना कि कौन सा छोटा है। तो इसका ए पार्ट देखिए 10:7 और 15:22 सेम करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 22 × 10 एंड 15 × 7 220 and 105। तो बड़ा कौन सा है आपका, ये वाला आपको बताना, इसमें क्या स्मॉलर, तो आपका स्मॉलर रेशियो कौन सा हुआ, ये वाला। तो आप इसको ऐसे लिखें 15:22 इज स्मॉलर। इसी तरह से फिर आप नेक्स्ट में ग्रेटर वाला बता देंगे। इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी पहले आप इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे और फिर जिस सेम फैक्टर से ये दोनों जो इनका कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड करके, जैसे हम रेशियो को करते थे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ऐसे ही आप इनको भी करेंगे। देखिए इसका बी पार्ट देखिए 50:225 बी पार्ट है ये आपका, तो 15/225। तो ये कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका जो लास्ट डिजिट है 0 इसका 5 है, तो 10/5 = 20 45। देन अगेन आप 5 से डिवाइड करेंगे 2/9। अब देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये आपका रेशियो क्या गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुई, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो इज 2:9। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।